तत्व मैं कहूंगा, उन्होंने हमारे AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला किया। जानलेवा हमला था, पीछे वाले गेट पे उनकी नेम प्लेट तोड़ दी गई, लाइट तोड़ दी गई और बड़ी बड़ी ईंटें बरसाई गई। और अंदर चूंकि वॉचमैन था और उसकी फैमिली थी, वो डर गए और उन्होंने किवाड़ बंद कर ली और उन्होंने फिर इतने अधे मारे कि वो उनकी खिड़कियाँ भी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन किया और वहीं से उन्होंने जो अंदर से जितनी वीडियो बना सकते थे वो वीडियो बनाई। पुलिस का इंस्पेक्टर ने यहाँ से वहाँ पुलिस भेजी और पुलिस को बाकायदा वो लोग वहाँ खड़े रहे। उनके हठधर्मी देखिए, उनके हौसलों की बुलंदी देखिए कि वो एक सांसद के घर पर हमला भी कर रहे थे और वो वहाँ पर डटे रहे और फिर पुलिस के साथ वो 5 आदमी डिटेन होकर यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पर इनको तहरीर दी और हमने ये कहा है कि सांसद साहब के घर पर ये तीसरा हमला है, पहले 2 हमले हो चुके हैं और तीसरे हमले में भी हमने इनको अभी एक जो राइटिंग में दिए कंप्लेंट वो ये दी है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ UAPA की धाराओं में के खिलाफ धारा में इनके केस होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सांसद CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बराबर में, पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में, पार्लियामेंट थाने के बराबर में अगर कोई सांसद सेफ नहीं है तो फिर दिल्ली में क्या सेफ है? तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के अलावा यहाँ की जो कानून व्यवस्था वो सवालों के घेरे में है। और सबसे बड़ी हमारी डिमांड ये है कि आखिर इस तरह की अराजकता दिल्ली पुलिस कैसे बर्दाश्त कर रही है और अभी भी उनके अंदर पूछताछ की जा रही है। हमने FIR के लिए उनसे कहा है, उन्होंने कहा है कि अभी हम आपको FIR दर्ज करा के देंगे। हमारी पूरी दिल्ली MIM की जो यूनिट है वो यहाँ मौजूद है, हम जब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक FIR की कॉपी नहीं